औद्योगिक क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हमने अपनी पूरी सेवा काल में ईपीएफओ के नियमानुसार, शासन के नियमानुसार रुपये 417, रुपये 541, रुपये 1250 का अंशदान प्रतिमाह पेंशन फंड में किया है, लेकिन उसके एवज में हमें जो पेंशन मिलती है वह केवल 200 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक है। इतने कम पेंशन में हम अपना जीवन यापन कैसे करें, इसी समस्या को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने पूरे देश का दौरा किया, 27 राज्यों में पेंशनर्स को जोड़ा और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। यह हमारा परम सौभाग्य था कि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के माध्यम से दो बार प्रधानमंत्री जी ने हमें मुलाकात दी, उन्होंने हमारी बात सुनी, दो बार आश्वासन दिया, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हो रहा है। हमारे पेंशनर 5 से 6 हज़ार की संख्या में प्रतिवर्ष मरते चले जा रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के बाद हम किसकी शरण में जाएं? इसीलिए हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जागरूक हो, क्योंकि हमारे भाई अब जो है अपना आपा भी खोने को तैयार हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मर मिटने को भी तैयार हैं। क्यों? कि रोज़ हम व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो हमारे इतने भाई चले गए, हम किसके पास में जाएं? इसीलिए आपके चैनल से माध्यम से हमारा अनुरोध है, प्रधानमंत्री से माननीय प्रार्थना है कि अपनी इस सरकार की इच्छा शक्ति को जगाएं और हम पेंशनर भाइयों को हमें शीघ्र न्याय दिलाएं। हम सभी पेंशनर्स भाई अपनी लाठी काठी उठाकर इस गोवर्धन पर्वत को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईपीएफओ जिसने हमारा सब सत्यानाश कर दिया, इसमें अच्छे अच्छे प्रावधान थे, ईपीएस 95 स्कीम में बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान थे, इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल का प्रावधान था, पूंजी की वापसी का प्रावधान था, इसके बाद में अच्छी पेंशन का प्रावधान था, ये सब अच्छे अच्छे प्रावधान इस ईपीएफओ ने समाप्त कर दिए हैं और हम लोगों को ऐसे स्कीम का ही सत्यानाश कर दिया है। हम गोवर्धन उठा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे श्री कृष्ण भगवान बने और हमारी रक्षा करके हमें न्याय प्रदान करें। अब हमारे सामने दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए हम पेंशनर्स भाई अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करने का काम कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति जागृत हो जाए तो हमारा विषय बहुत छोटा सा है, 6 करोड़ इस योजना में अंशदान करते हैं, 1250 रुपये प्रतिमाह है, उनका 6 करोड़ लोगों का अंशदान हर महीने का हर साल का होता है 90,000 करोड़ रुपये। और हमारी जो मांग है कि हमारी जो भिखारी पेंशन है इसको 7,500 प्लस डीए किया जाए, मतलब कि केवल 50,000 करोड़ रुपये उसमें से अगर सरकार हमको देती है तो हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, 40,000 करोड़ का अंशदान उनके पास में बचा रहेगा, इसके बाद में 5.5 लाख करोड़ रुपए जो कॉर्पस में हैं वो ही बचे रहेंगे और सरकार को 5.5 करोड़ रुपए से जो अंशदान जो ब्याज मिलता है वो भी सरकार के पास में रहेगा। लेकिन ये दुष्ट और क्रूर यूपीएफओ ये हम लोगों का सत्यानाश करने की कोशिश कर रहा है। उच्च पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्याय के अनुसार भी और ईपीएफओ के खुद के सर्कुलर के अनुसार भी हमको उच्च पेंशन की सुविधा जो है ईपीएफओ नहीं दे रहा है, उससे हमें वंचित कर दिया गया है। मेडिकल की सुविधा हमें किसी प्रकार की नहीं है, ईपीएफओ के कर्मचारी जो है उनको 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है और हम पेंशनर्स को किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आपके चैनल्स के माध्यम से कि हमारे वृद्ध पेंशनर्स की मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ, हमें 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता इतने पेंशन मिले जिससे 2 लोगों का जीवन यापन हो सके। उच्च पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमें हमारी उच्च पेंशन दी जाए, उसकी सुविधा प्रदान की जाए, मेडिकल की सुविधा, फ्री मेडिकल सुविधा हम पति पत्नी को प्रदान की जाए और जो भाई ईपीएस 95 स्कीम में उनकी सरकार की गलतियों से ईपीएफओ की गलती से जो नहीं जोड़े गए हैं उनको इस स्कीम में जोड़ा जाए, उन्हें कम से कम 5,000 रुपये ये जो है मासिक पेंशन दी जाए। इसी भावनाओं के साथ में आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और हमारी वृद्ध पेंशनर्स की मांगों को आप सरकार तक पहुंचाएं और यही प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद सर। मैं वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, नेशनल एजुटेशन कमेटी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग यहाँ बरेली के अंदर हमारे मंडल की मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। इस सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को
हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने दो बार हमें आशीर्वाद देकर हमारी बात सुनी, उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारे लोग मरते चले जा रहे हैं। इसलिए इस सभा के माध्यम से सरकार की इच्छा शक्ति जगे और हमारे भाइयों काम हो। हम सभी औद्योगिक क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हमने अपने पूरी सेवा काल में 417 रुपये, 541, 1250 पूरे जीवन भर सेवा काल में अंशदान किया है, लेकिन उसके एवज में हमें जो पेंशन मिलती